पूनम शर्मा 97.2%। मेहनत तो काफ़ी की हम लोगों ने, क्योंकि जून से हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद फरवरी तक चलते रहे। जब बीच में 15-20 दिन स्कूल बंद हुए थे जनवरी में, तब भी स्कूल से मेरिटोरियस क्लासेस वगैरह भी चल रही थी, हम लोग भी पढ़ रहे थे, तो मेहनत तो बहुत की। ऐसा कुछ नहीं था, मेरा जो था उसके अकॉर्डिंग मेरा जो सब्जेक्ट पढ़ने का मेरा ज़्यादा मन करता था कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है। पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट से पहले जो पढ़ना है वो पढ़ लो, उसके बाद जो आप चाहो पढ़ लो। इस मेहनत के लिए किसको? इस मेहनत के लिए मैं बहुत सारे लोगों को श्रेय देना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से पढ़ाई को लेकर उन्होंने मुझे बहुत किया, पापा ने, और फिर मेरी दीदी, और स्कूल जहाँ मैं पहले पढ़ी। एक्सीलेंस तो हमेशा एक्सीलेंस करने की प्रेरणा देता ही है, लेकिन वो स्कूल जहाँ पे मैं 8th तक पढ़ी वहाँ भी बहुत सपोर्ट मिला, सरस्वती विद्या मंदिर जवाहर चौक में। ये नाम सरस्वती विद्या मंदिर। पूनम शर्मा। ज़्यादा देर पढ़ो तो फिर मन डाइवर्ट होने लगता है। सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे सोशल मीडिया का देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, सोशल मीडिया भी देखना चाहिए, मतलब उसका उपयोग कम करना चाहिए, पर जितना हो सके उतना कमी करना चाहिए। अदिति खरे। कितने नंबर आपको? 96.6। केशवी उपाध्याय। मैं 10th ए में हूँ। कितने क्या परसेंट? मेरे 96.4% बने। मेहनत तो लगी है, बट जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठकर, रात तक थोड़ा लेट तक पढ़कर, और हर सब्जेक्ट पे, उसके सब्जेक्ट कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसको मेहनत कर मेहनत करनी पड़ी है। कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी लग रहा है कि अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लेती तो थोड़ा और आगे होती, बट ठीक है, आज मैं जो हूँ उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और इसके लिए मैं अपने स्कूल वालों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, और साथ ही साथ जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं उन्होंने हमें, मतलब बहुत रात में भी सुबह भी हर टाइम हमारे डाउट्स क्लियर करें, और साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स भी, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मेरे इंस्पिरेशन बढ़ाई। कैसा लग रहा था रिजल्ट आया जब? क्या कर रहे थे आप? जब रिजल्ट आने वाला था उस टाइम तो मतलब टाइम निकल ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कब बस एक बज जाए, और जब 1 बजे तब तो बस रिजल्ट, मतलब रिजल्ट से डालने रो नंबर नहीं डल रहा था, सब डालने की गड़बड़ हो जा रही थी, पर जब रिजल्ट सामने आया तब फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स मिला। क्या नाम? मेरा नाम केशवी उपाध्याय है। कौन सी क्लास में? 12th कॉमर्स। अच्छा, जिले में आप अभी क्या आए, कितने नंबर आए? सेकंड पोजीशन है ये डिस्ट्रिक्ट में। ग्रांड टोटल 466 है, 93.2%। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा कॉमर्स प्लस मैथ्स था। कैसा क्या लग रहा है आपको? मेरा कुछ होगी कि कौन आवाला था? हाँ, लग तो अच्छा रहा है, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया है। सर ने भी बुलाया आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय में, क्या कुछ कहा? क्या हाँ, बाकी ऐसा था कि टीचर्स का एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, बाकी अभी 466 है ग्रांड टोटल मेरे, क्योंकि सेकंड रैंक है डिस्ट्रिक्ट। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे का MBA करना है। MBA करो, उसके बाद आगे? MBA अभी अभी तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर MBA परस्यू करना। पिताजी क्या करते हैं? फादर गवर्नमेंट टीचर। कहाँ पे? भौरासा। ठीक, नाम बताओ। अजय सिंह गौर। आपका नाम बताओ? अंजलि गौर। ठीक, आज जो 10th और 12th का रिजल्ट आया है उसमें किस तरह का टॉप बच्चों ने यहाँ पर किया है, कोई जानकारी? पूरे सत्र में बच्चों ने अच्छे से मेहनत करी, खूब मेहनत करी, ऑनलाइन क्लासेस भी रेगुलर रही, और टीचर भी सब काफ़ी योग्य हैं, और परिणाम और अपेक्षाकृत और ज़्यादा उम्मीद थी। इसमें जो परिणाम रहा वो जिले की जो मेरिट है उसमें 10वीं की जो तीनों बच्चियां हैं वो अपने उत्कृष्ट विद्यालय की हैं, और एक कॉमर्स ग्रुप में एक लड़की जो है अंजलि गौर, ये सेकेंड पोजिशन पर है। कितने क्या मार्क्स आए हैं? मुझे तो मैंने नाम बताया अंजलि गौड़ को, ये 466 नंबर है इसके, 93% है। और जो 10वीं में है तीनों लड़कियां, एक पूनम शर्मा इसके 486 मार्क्स हैं, और फिर अदिति खरे है इसका 483 मार्क्स हैं,
और केशवी उपाध्याय इसके 482 मार्क्स। ये तीनों टॉप जो इसी विद्यालय के हैं। जिले में इतने सारे प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद सरकारी विद्यालय के टॉप 3 में लेवल आते हैं, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? इसका कारण ये है कि एक दोनों बातें हैं, टीचर्स का जो है वो एक समर्पण भाव से काम करना और उन बच्चों का भी विद्यालय के प्रति लगाव। ये जो मेरिट में आए हैं ये बहुत नियमित बच्चे हैं और विद्यालय रेगुलर आते रहे, अपने टीचर से कॉन्टेक्ट में रहे और ऑनलाइन क्लास भी जब चली तो छुट्टियाँ वगैरह हुई तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस में भी इन्हें रेगुलर अटेंड किया तो परिणाम क्या निकलता है, परिणाम मिलता है। और जिले की जो है टॉप रैंकिंग में, टॉप 10 में रैंकिंग भी आई है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए, कुछ बोलेंगे? जिले की 10वीं में तीनों टॉप आई है तो बस वही जो मैंने अभी कहा कि बच्चों की भी काफ़ी अच्छी मेहनत रही और टीचर्स ने प्रॉपर गाइडेंस दिया। रेगुलरिटी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात रहती है, रेगुलर रहे ये लोग और कहीं कोई गैप नहीं आन दिया, इसलिए इनकी मेरिट बनी। सर आज हायर सेकेंडरी हाई स्कूल का रिजल्ट खुला है, उसमें कई बच्चे असफल भी हुए हैं, उनके बारे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों के लिए संदेश ये है कि अंक किसी भी तरह से ज़िंदगी को कामयाब बनाने का एक तरीका नहीं हो सकता। हाँ, ज़िंदगी को कामयाब बनाने का तरीका तो सबसे बेहतर ये है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। कम अंक मिले इसका आशय ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में सबसे पिछड़ गए, कम अंक पाने वाले बच्चे भी ज़िंदगी की दौड़ में सबसे आगे रहते हैं और उनको ईश्वर ने एक अलग तरह की शक्ति दी है और उस शक्ति का उपयोग करके वो अपने लिए एक नई राह चुन सकते हैं। आवश्यक ये नहीं है कि आपका कितना परसेंटेज बना, आवश्यक तो ये है कि आपने जितनी पढ़ाई करी उसमें कितने परसेंट अंक लाकर या एक न्यूनतम अंक अगर आपको मिले हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये एक अवसर है कि आपको अधिक परिश्रम करके अपने आप को उन लोगों की श्रेणी में कामयाब होना है जहां लोग आपको पीछे छोड़ गए। चिंता की कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अंक सिर्फ ये प्रदर्शित करते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी है, लेकिन अंक ये प्रदर्शित नहीं कर सकते कि आपका अपना कर्म फल क्या है, आपका अपना भविष्य क्या है। उज्ज्वल भविष्य के लिए अंकों की आवश्यकता नहीं रहती है, उज्ज्वल भविष्य के लिए आपके अपने मन मस्तिष्क में उठे हुए सवालों को, मन मस्तिष्क में उठे हुए नए विचारों को धरातल पर लाते हुए उन्हें कामयाबी के शिखर तक पहुँचाने की जो कला है वही कला हमारे लिए उच्च जीवन की ओर ले जाती है। आप उदाहरण देख लीजिए, चाहे क्रिकेट का गेम हो या हॉकी हो या फुटबॉल हो, किसी भी गेम में देख लीजिए आपको अधिकतर खिलाड़ी जो वर्ल्ड लेवल पर अपना नाम छोड़ चुके हैं उनके पास कोई उच्च डिग्रियां नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहाँ आज वो आइकन बन चुके हैं। अधिकतर बड़े बिजनेसमैन को आप देखिए, जो बड़े बिजनेसमैन हैं पुराने समय से हम बात करते आए तो उनके पास भी कोई डिग्री नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में आज इस तरह से रोशन कर लिया है कि वो हजारों व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। तो अपनी कल्पनाओं को पंख लगाइए और उस नीले गगन आकाश की ओर उड़िए जहाँ भविष्य आपको आपका इंतजार कर लिया है। हताश और निराशा की कतई ज़रूरत नहीं है, हताश और निराश वही लोग होते हैं जिनमें कोई काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है। हम सब, आप सब में इच्छा शक्ति का कोई अभाव नहीं है, इसलिए एक बेहतर जीवन, एक बेहतर राह, एक बेहतर भविष्य आपकी राह देख रहा है। एक कदम आगे बढ़ाइए और उज्ज्वल भविष्य को चलिए, हताश और निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है।